क्या बन रहा है आज की रसोई में? आज आज पत्ता गोभी की सब्जी। क्या बात है, पत्ता गोभी की सब्जी। सर ड्राइवर की जिंदगी इस टाइम बहुत लगा लो, इतनी खराब हो चुकी है कि जो आरटीओ और ये दल्ले है ना जो, हाँ जी, इन्होंने हमारी जिंदगी पूरी हराम कर रखी है सर। महाराष्ट्र बॉर्डर बंद है, हाँ हाँ, और वहाँ पे हमसे 300-300 रुपए 400-400 रुपए हमसे। ये तो कमर्शियल गाड़ी, टैक्सी नंबर गाड़ी है, आपको दिख भी रहा होगा। हाँ जी, ये डिप्टी है, ट्रांसपोर्ट डिप्टी। मेरे को तो दोस्तों आप देखते ही रहते होंगे, तो आज महफिल जम चुकी है। तो हैदराबाद में ड्राइवर भाइयों का जो प्रोग्राम हमने शुरू किया है, ड्राइवर भाइयों की हमेशा हम आवाज़ बनते हैं। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं आज हैदराबाद में। तो भाई ने एक छोटा सा बल्ब लगाया, ब्लैक एंड वाइट जिंदगी होती ड्राइवर भाइयों की, और साथ में भाई बना रहा है, पता नहीं क्या कह रहा है, कुकड़ बना रहा है भाई। कुकड़ तो मालूम नहीं मेरे को, लेकिन भाई यहाँ पे बैठा है तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे भाई की ज़िंदगी देख सकते हैं कि क्या भाई का ज़िंदगी का प्रयास है, कैसी लाइफ चल रही। भाई साहब नमस्कार जी, क्या हाल चाल है जी? नमस्कार, और सब ठीक है? कैसे चल रही ज़िंदगी, कैसे गाड़ी लाइन में आ चुके हैं आप? अरे क्या बताएं अब। अच्छा, कितने साल हो गए उस्ताद जी गाड़ी चलाते हुए? मेरे को हो गया कम से 8 साल। 8 साल हो गया। क्या बन रहा आज सब्जी, तड़का लगा रहे आप जबरदस्त? ये सब्जी होती है कोई? हाँ। क्या बोलते इसको? ये वो दुक्कड़ बोलते ना इसको, ये ठीक है भाई जी। कैसी चल रही लाइफ, कितने 8 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए हैं? आप भी साथ में ही हैं? क्या माल भर के आए आप उधर से? सब्जी भर के आए थे। सब्जी? क्या भर के आए सब्जी? कौन सी सब्जी? ये लौकी। अच्छा लौकी भर के आए, कहाँ से भर के आए जी? ये आए थे रायपुर। अच्छा रायपुर से आए थे? हाँ, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से आए थे। तो भाई साहब क्या गाड़ी जाती लोड हो रही है, नहीं हो रही है? नहीं, कहाँ आते ही नहीं हो रहा है, 4-5 दिन रुकना पड़ जाता है। अच्छा, 4-5 दिन रुकना पड़ जाता है। हाँ। तो भाई इधर से क्या माल भर के लेके जाओगे? अब इधर से जो भी मिल जाए, मतलब जो भी मिल जाए ले जाएंगे इधर से। हाँ। तो भाई साहब यहाँ से मान लो क्या भाड़ा लग जाता है, उधर से क्या भाड़ा लग जाता है? अब ये भाड़ा का क्या बोले, हाँ पूरा मरा हुआ भाड़ा रहता है अभी। बिल्कुल मरा हुआ भाड़ा रहता, क्या बात है भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हैं मरा हुआ भाड़ा? अरे तो वही खाली डीजल का बस निकल रहा है, कुछ नहीं। अच्छा, कुछ नहीं निकल रहा? वो किस्त नहीं निकल रहा है ठीक से, इधर से डालना पड़ रहा है किस्त। तो भाई और भी परेशानी है, कहाँ कहाँ आपको आती है रास्ते में? नहीं रास्ते में तो परेशानी नहीं है। तो कितने किलोमीटर तक आपकी गाड़ी यहाँ तक चल जाती है? ये 750। अच्छा 750 छत्तीसगढ़ से। हाँ। तो पास में ही फिर तो छत्तीसगढ़ इधर से है ना? हाँ पास में है। अच्छा पास में ही 24 घंटे मिल जाते, तो टाइम भी वैसे अगर देखा जाए ठीक ठाक है। हाँ टाइम ठीक ठाक है। तो परेशानियाँ भी आती गाड़ी भरने में, खाली करने में कभी? अरे आता है कभी कभी तो। कभी ऐसा हुआ हो कि बहुत बुरे फंसे हो कहीं, पानी तक तर सके हो कभी? नहीं, होता है होता है। कहाँ पे हुआ था ऐसा कुछ? अरे अभी पर अभी मेरा गाड़ी खराब हो गया था घाट में। अच्छा। तो वही 24 घंटा में घाट में ही था। अच्छा ऐसा है। अभी तो पिछले चक्कर एक गाड़ी ऐसे घाट में, वही घाट में खराब हो गया, वहाँ पे रुकना पड़ा 8-9 घंटा। तो कोई मदद वगैरह पहुंचती है सरकार की तरफ से आपके पास? नहीं कुछ नहीं रहता, घाट में कहाँ कोई नहीं आता, वहाँ रहता वहाँ पे। अच्छा वहाँ पे कोई नहीं आता है ना। हाँ। तो भाई जी ये देख सकते हैं उस्ताद जी बैठे हुए हैं, छत्तीसगढ़ की गाड़ी आप देख सकते हैं यहाँ पे, काफ़ी पुरानी गाड़ी टाटा की लग रही है, 15-12 भाई नई गाड़ी है ये। वैसे कभी लग लुग जाती है, और भैंस गाय इस तरीके से लग जाती है गाड़ी में। इधर छोटू भी बैठा, छोटू क्या हाल चाल है तेरे? और बढ़िया चंगा है। इधर और भी दो ही लोग आप? तीन है, वो घूमने आए हैं। अच्छा ये घूमने आए भाई साहब, दिखे नहीं, आवाज सी तो आ रही थी इधर से। अच्छा तो खाना उस्ताद जी का भाई बन रहा है, बहुत ही जबरदस्त खुशबू आ रही है खाने की। उस्ताद जी और भी कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत आई हो, कभी रोड हादसा हुआ हो, कि ड्राइवर भाइयों को कोई सिखा के चला जाता है, कई चीज़ें ऐसी होती है? नहीं अभी तो मेरे साथ अभी कुछ नहीं हुआ ऐसा 8 साल में। अच्छा कभी होते होते बचा हो, कि कई बार ऐसा होता है कि भाई इस बात का ध्यान रखना जरूर, एक लाइफ का एक्सपीरियंस होता है कि शरीर पूरा नीचे से लेके ऊपर तक कांप जाता है कई बार। हाँ नहीं होता है ना। कभी हुआ हो ऐसा, नींद आई हो?
नहीं, अभी तक तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। चलो भगवान की कृपा से होना भी नहीं चाहिए, संभल के चले अपनी यात्रा, आपकी मंगल हो। तो बहुत ही बढ़िया भाई लगा। अब दूसरी रसोई में किसी और में हम चलते हैं। भाई बज रही है गाड़ियों में सीटियाँ, पक रहा है खाना, लेकिन मेहनत का ज़रूर है, हक हलाल का ज़रूर है भाइयों का खाना। इस बात की भाई हम ड्राइवर भाई खुद उनकी जो है स्वर में जो है गारंटी निकल आती है कि कैसे जो है खाना पीना बनाते हैं। तो चल रहे एक हम छत्तीसगढ़ से राज्य से एक छोटे से राज्य में दूसरे राज्य में पहुंच जाएंगे, देखते हैं कौन सा राज्य है। ये है भाई मध्य प्रदेश का एमपी राज्य। और उस्ताद जी कैसे हो? क्या बन रहा है आज की रसोई में? आज पत्ता गोभी की सब्जी। क्या बात है, पत्ता गोभी की सब्जी। अच्छा कहाँ से आए भाई साहब आप? इंदौर से। अच्छा इंदौर से आए एमपी से। क्या भर के आते हैं? देखो उधर से अर्जुन परचून जब भी मिल जाए। अच्छा इधर अटके जाते हैं आखिर? अरे अभी तो पोजिशन ही 16 सराज चल रहे हैं ना। अच्छा माल कम निकल रहा। अच्छा माल कम निकल रहा, सराज चल रहे हैं। तो कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया गाड़ी चलाते चलाते? मेरे को हो गया कम से 16-17 साल हो गए। और उस्ताद जी कहाँ कहाँ आपको दिक्कत आती सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा दिक्कत आती महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में क्या परेशानी आती महाराष्ट्र में? भाई पुलिस वाले और इनकी रहती। अच्छा आरटीओ वगैरह की देती दिक्कत है? आरटीओ परेशान नहीं करते जितना पुलिस वाले। अच्छा ट्रैफिक वाले परेशान है, कहाँ पे परेशान करते ज्यादा? सभी दूरी है। सभी दूरी है। और इधर अपना तेलंगाना में? हाँ जी तेलंगाना में तो नहीं परेशानी कोई? नहीं नहीं। अच्छा इधर कोई दिक्कत नहीं है ना। तो भाई जी बना रहे रोटियाँ गर्मा गर्म रोटियाँ यहाँ पे, सभी आपकी यात्रा जो है मंगल हो हमारी तरफ से, ट्रांसपोर्ट लाइव की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। तो मैं पहुँच चुका हूँ और भी हमारे देश के ट्रक ड्राइवर भाई साहब कैसे हो? बढ़िया सर। देखते रहते हैं हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट लाइव जी? हाँ जी मैं डेली देखता हूँ आपका सब्सक्राइबर। अच्छा सब्सक्राइबर है आप। तो कैसा ही है सर जिंदगी, कैसी चल रही है आप लोगों की? सर ड्राइवरों की जिंदगी इस टाइम पे बहुत लगा लो इतनी खराब हो चुकी है कि जो ये आरटीओ और ये दल्ले हैं ना जो, हाँ जी इन्होंने हमारी जिंदगी पूरी हराम कर रखी है साहब। हाँ जी अब हम आंध्रा में घुसे हैं, अभी आंध्रा में गए थे। हाँ जी कल परसों का वो मेरे पास फोटो भी है उसके। हाँ जी अपना विजयवाड़ा के बाईपास से हम निकले। हाँ जी विजयवाड़ा से 40 किलोमीटर आगे का लोड था मेरा। अच्छा तो आया शिफ्ट डिजायर गाड़ी में आए। हाँ उस पर लिखा है ट्रांसपोर्ट डिप्टी एजेंट कुछ ऐसा लिखा है। अच्छा वो मेरे पास फोटो अवेलेबल है। उनने मेरे से मांग करी 1000 रुपए की। अच्छा उस गाड़ी का नंबर भी है मेरे पास और उसका फोटो भी है। तो अगर फोन में है तो दिखाओ जरूर। बिल्कुल भाई साहब मैं फोटो दिखाता हूँ आपको। तो 1000 की मांग की, उसके बाद क्या हुआ? मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, वो बोल रहे हैं आपका 32 फुट गाड़ी है, लंबा गाड़ी है। अच्छा मैंने कहा सर इस गाड़ी को कटवा दो आप। वो बोल रहे हैं हम क्यों कटवाएंगे, तू कटवाएगा अपना आप। अच्छा हाँ तो ऐसी परेशानी भी देखो ड्राइवर भाइयों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है साहब हमको। ऐसे महाराष्ट्र बॉर्डर बंद है और वहाँ पे हमसे 300-300 रुपए 400-400 रुपए हमसे। ये तो कमर्शियल गाड़ी है, टैक्सी नंबर गाड़ी है? टैक्सी नंबर गाड़ी है और इसमें पीछे बोर्ड लगा हुआ है आपको दिख भी रहा होगा। हाँ जी ये डिप्टी है, ट्रांसपोर्ट डिप्टी, ट्रांसपोर्ट डिप्टी का बोर्ड लगा हुआ है। हाँ तो गाड़ी आपकी कितनी लंबी है? सर हमारी 32 फुटी गाड़ी है, 6 टेरी। अच्छा बोरे 32 फुट कंपनी से पास है आपकी? हाँ जी हाँ। तो फिर भी ये पैसों की मांग करते हैं? फिर भी पैसों की मांग करते हैं सर। हाँ जी बॉर्डर पे लेते हैं हमसे 300-300 रुपए, फिर रास्ते में जा करके हमें परेशान करते हैं सर। अच्छा हाँ और नहीं देते तो फिर वो गाली गलौज भी करते हैं हमको मानने के लिए चढ़ते हैं। हाँ जी ये हमारे साथ में परेशानी होती है, ये परेशानी होती है। तो कितना फिर क्या मसला हुआ? मसला फिर उसमें क्या है जी, लास्ट में उन्होंने मेरे से सौदा किया, फिर मेरे से 700 रुपए लिए उन्होंने। अच्छा यानी कि 700 रुपए देके गाड़ी छोटी होगी इसका मतलब? हाँ 700 रुपए देके छोटी। हाँ जी फिर भी ये बोल रहे हैं कि आगे आएगा आगे फंसा देंगे हम तुझे। अच्छा हाँ मैंने मालिक के पास फोन किया, फोटो खींचा रहूंगा तुम वो मेरे से बदतमीजी में आ गए। अच्छा जब फोटो खींचा जब उन्होंने 700 लिया मेरे से। अच्छा वीडियो मेरा डिलीट लगवा दिया वहीं उन्होंने। अच्छा उसी टाइम डिलीट करवा दिया। ठीक है अभी इलेक्शन भी सर सिर पे ऊपर आ रहे, क्या आपका रिएक्शन? मोदी जी को वोट देना चाहते हैं दोबारा? जी देखो जी मोदी को हम फुल सपोर्ट करते हैं, जैसे नितिन गडकरी जी ने कर रखा है। हाँ जी वो सर वो चीज फॉलो नहीं हो रही, बस ये रिक्वेस्ट है कि ये चीज फॉलो करवाई जाए। हाँ जिससे हमारे ड्राइवर भाइयों को कहीं भी असुविधा ना हो। हाँ जैसे उन्होंने बॉर्डर बंद कर रखे अपनी तरफ से, ये गुंडागर्दी करके फिर बैठ जाते हैं। गुंडागर्दी होती है साहब। अब जैसे हम राजस्थान में घुसते हैं, राजस्थान में नीमा एडा से लेके आप किसी किसी साइड में चले जाओ,
जगह जगह पे दल्ले खड़े हैं, जगह जगह चाहे आप बचा कर गाड़ियों में आरटीओ नहीं होते, उनके दल्ले होते हैं, फिर वो डंडा चलाते हैं, शीशे तोड़ते हैं, हमारे साथ में मारधार करते हैं, नहीं देते तो उनको, ये चीज हमारे साथ में होती है जगह जगह पे। अच्छा जी, हाँ तो भाई क्या और भी कोई बोलना चाहता है, कोई गाना गाना चाहता है तो भाई गाना गाते? अच्छा, खुश रहो भाई इसी तरह से। यही चाहते हैं कि हमारे ड्राइवर भाई को जैसे आप सपोर्ट करते हो इसी तरीके से हमारी सपोर्ट करते रहे, हमें बहुत अच्छा लगता है आपका ये सपोर्ट करना। हाँ जी, और हम आगे भी आपकी यही चीज देखते हैं कि हम आपके लिए सबसे ज्यादा वो करते हैं। चैनल ट्रांसपोर्ट टीवी का ट्रांसपोर्ट लाइव, ट्रांसपोर्ट लाइव बहुत ही अच्छा काम करता है ड्राइवरों के साथ में। हाँ जी, बिल्कुल, ड्राइवरों के मुद्दे हमेशा उठाता हूँ, ड्राइवरों के बीच जाता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ मैं, चाहे आज वीडियो में नहीं आया भाई, मेरी भी थोड़ी बना ले एक बार पता लग जाए मैं वाकई आया हूँ। तो ये भाई साहब है हमारे, क्योंकि मैं पहुंचा हूँ हैदराबाद, हमारी टीम हमेशा जो है पहुंचती रही। भाई जी आपका नाम, शुभ नाम जी? ओमवीर चौहान है जी, मेरा पलवल डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं, गाँव औरंगाबाद है। गाँव औरंगाबाद है जी साहब। भाई जी आप कहाँ के रहने वाले? हरियाणा के। हरियाणा कौन सी जगह? नई। तेरे बालों से ही लग रहा है मेरे को नई गांव का। मैं पहचान लिया मैं बात वाले भाई, आप कहाँ के? बड़वा रहना, जिला खरगोन है। अच्छा, खरगोन एमपी के आप? ठीक है ठीक है। भाई आप कहाँ के? गांव लखना का, जिला पलवल। अच्छा, पलवल के। भाई देखो, ड्राइवरों की कोई जात पात नहीं होती, कोई इसमें मजहब नहीं होता, सिर्फ ड्राइवर एक हमारा सारथी है। भाई भाई आप भी कहीं गुस्सा ना हो जाए, हमारे को नहीं पूछा भाई कहाँ के, कहाँ के आप? नहीं पूछो बात के। ठीक है भाई, आप छाई समय बात सब में बात वाले भाई, बीच में पंजाबी भाई गिर गया आपसे। और भाई आप मवाद के जी? अच्छा, मवाद के। बहुत बार भाई साहब प्यार मिलता है आप लोगों का, एक बार ताड़ी जरूर लगा दे। ट्रांसपोर्ट लाइव इसी तरह हर जगह हर राज्य में पहुंचता रहता है, बहुत अच्छी सेवा देते हैं भाई के लिए। हम बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है, और भाई का हम हमारे लिए ऐसे सपोर्ट करते रहे, भाई के साथ में हम बस। मैं भी जब तक मेरे दिल में जान है जहान है, मैं ड्राइवरों के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। ट्रांसपोर्ट लाइव जितना भी ड्राइवरों की बहुत ज्यादा सपोर्ट। देखो हमारा चैनल भी बंद हुआ, दोबारा फिर हमने खड़ा कर लिया, क्योंकि प्यार है ना ड्राइवर भाइयों के साथ, क्योंकि जो सच की लड़ाई लड़ता है वो साथ में हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। और दोबारा आप लोगों का दोबारा फिर 1,22,000 सब्सक्राइब कर दिए, यानी कि अब भी सब्सक्राइबर हमारे भाई बढ़ते रहे। इसी तरह से हम ट्रांसपोर्ट जो न्यूज का जो प्लस का चैनल खोला उसको भी जैसे सब्सक्राइब, जिसपे आपकी लोगों की खबर आती, इनके ऊपर ड्राइवर भाइयों के दर्द आते हैं, तो इसी तरह से हम हमेशा उठाते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बस इसी तरह से चंगा जी, सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत बहुत धन्यवाद।